हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो हर रोज की तरह आज की भी जो टेक न्यूज है वो क्वाइट इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो पूरा टेक न्यूज जरूर वाच करके जाना, आपको जरूर मजा आने वाला है। दोस्तों सबसे पहले न्यूज में बात कर ली तो वो रियलमी की तरफ से निकल के आ रही है। रियलमी जीटी 5 प्रो नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने वाला है, तो इसका जो अंतु बेंचमार्क स्कोर है वो भी बाहर आ चुका है एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग स्कोर देखने को मिले हैं। इसे भी स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 चिपसेट के साथ लॉन्च किया जाएगा, तो इसका जो स्कोर है वो अबव 2 मिलियन देखने को मिला है, लगभग 22,30,000 के आसपास इसका स्कोर है। तो देखा जाए स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 जो प्रोसेसर है अलग अलग डिवाइस में थोड़े से डिफरेंसेज स्कोर में देखने को मिले हैं, लेकिन ओवरऑल इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा होने वाला है। अगर इसे कंपेयर किया जाए डायमेंसिटी 9300 से तो 9300 थोड़ा सा ज्यादा अच्छा स्कोर कर रहा है, तो परफॉर्मेंस के मामले में स्लाइटली डायमेंसिटी 9300 आगे है। एंड अब इसका जो स्पेसिफिक है वो भी पूरी तरीके से रिवील हो चुका है। इसमें 6.78 इंच की 1.5K OLED डिस्प्ले आने वाली है, साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। वहीं पर अभी जितने भी फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन लॉन्च होंगे उनमें LPDDR5T रैम टाइप देखने को मिलेगा, लेकिन इसे LPDDR5X रैम के साथ लॉन्च किया जाएगा। एंड पीछे की तरफ ट्रिपल ईयर कैमरा का सेटअप होने वाला है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, जिसमें सोनी का IMX966 सेंसर देखने को मिलेगा। तो न्यूज भी आ रही है कि यह कैमरा सेंट्रिक फोन भी होने वाला है, साथ में 100 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। तो लॉन्च में अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, नेक्स्ट मंथ ये आ ही रहा है, फिर देखते हैं कि इसकी प्राइस क्या होती है एंड किस तरह का परफॉर्मेंस इसका होने वाला है। वैसे डोंट वरी, यह इंडिया में भी लॉन्च होते हुए दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों वीवो का जो X100 सीरीज है वो भी नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने वाला है, तो वीवो X100 का भी जो अंतु स्कोर है वो बाहर आ चुका है, लेकिन इसे डायमेंसिटी 9300 चिपसेट पर लॉन्च किया जाएगा, तो इसका स्कोर थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिला है एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 चिपसेट। लगभग इसका जो स्कोर है वो 22,50,000 के आसपास देखने को मिला है, तो देखा जाए तो 20,000 से 30,000 या ज्यादा स्कोर कर रहा है स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 के मुकाबले। साथ में दोस्तों इसमें भी 16GB रैम के साथ 1TB तक के स्टोरेज के साथ लॉन्च किया जाएगा एंड इस बार LPDDR5T रैम के साथ यह लॉन्च होने वाला है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी हाईलाइट है वो इसका कैमरा, क्योंकि कैमरा में काफी कुछ अपग्रेड किया गया है वीवो X90 प्रो प्लस के मुकाबले। अगर मैं प्राइमरी कैमरा सेंसर की बात कर लूं तो 50 मेगापिक्सल का इस बार भी सेंसर होने वाला है, जिसके अंदर सोनी का IMX989 सेंसर होने वाला है, जो कि 1 इंच सेंसर होगा, तो बड़ा सेंसर होगा तो अच्छी फोटोग्राफी भी इसके साथ होने वाली है, साथ में लो लाइट परफॉर्मेंस भी इसका अच्छा होने वाला है एंड साथ में 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 50 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस, साथ में 200 मेगापिक्सल का इस बार सैमसंग का जो HP3 सेंसर है उसको प्रोवाइड किया गया है एज ए टेलीफोटो लेंस, जो कि 10x तक जूमिंग कैपेबिलिटीज इसकी होने वाली है। तो अच्छे चेंजेस किए गए हैं, देखते हैं कि इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस किस तरह की होती है एंड जब आएगा फिर बात करेंगे इसके ऊपर। साथ में IQ12 सीरीज के ऊपर भी अपडेट दिया था, तो नवंबर 7 को यह लॉन्च होने ही वाला है। तो अगर मैं डिस्प्ले की बात कर लूँ तो IQ12 के अंदर फ्लैट डिस्प्ले आने वाली है, वहीं पर जो IQ12 प्रो है उसके अंदर कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगी एंड इसका जो प्राइस होगा वो 62,000 से 65,000 के रेंज में देखने को मिलेगा। तो अभी यह चाइनीज मार्केट में आ रहा है, लेकिन डोंट वरी, IQ12 सीरीज को इंडिया में भी लॉन्च किया जाएगा। अगली न्यूज की बात करें तो वो वन प्लस की तरफ से निकल के आ रही है। वन प्लस 12 के ऊपर तो अपडेट दिया ही था, अब दोस्तों न्यूज आ रही है कि वन प्लस 12R भी वो जल्दी लॉन्च होते हुए दिखेगा एंड यह जो फोन है वो वन प्लस 11R का अपग्रेड वर्जन है, तो इसमें स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 का चिपसेट आने वाला है। इससे पहले स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया था वन प्लस 11R को एंड कैमरा में भी कुछ इंप्रूवमेंट होने वाले हैं। न्यूज आ रही है कि इसमें 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस आने वाला है, जो कि एज यूजुअल आप जानते हो कि 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर वन प्लस प्रोवाइड करता है, जो कि किसी काम का नहीं है, तो अच्छा है कि इस बार इंप्रूवमेंट हो रहा है। साथ में गेमिंग परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी होने वाली है, तो वन प्लस 11R के मुकाबले कुछ अच्छे चेंजेस इस बार होने वाले हैं एंड देखते हैं कब तक इसे लॉन्च किया जाता है। अगली उसके बाद तो वो सैमसंग की तरफ से निकल के आ रही है। सैमसंग का जो गैलेक्सी S24 सीरीज है उसके ऊपर भी रेगुलर अपडेट तो देता ही रहता हूँ एंड अब ऐसी न्यूज आ रही है कि जो गैलेक्सी S24 सीरीज इस बार लॉन्च होगा उसमें सेटेलाइट कनेक्टिविटी देखने को मिलने वाली है। तो जो पिछला आईफोन 14 सीरीज लॉन्च हुआ था उसमें तो यह पहले ही आ गया था, लेकिन सैमसंग अब इसे इंट्रोड्यूस करने वाला है एंड पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि काफी कुछ अपग्रेड होने वाला है। अगर मैं कैमरा की बात कर लूँ स्पेशली गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के अंदर, तो इसमें जूम एनी प्लेस कैमरा टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इस बार। तो पिछला वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसको आप जरूर वाच करना, सब कुछ डिटेल्स मैंने उसमें बताया कि किस तरह के कैमरा सेंसर होने वाले हैं, तो उसको आप जरूर वाच करना, आपको
काफी कुछ जानकारी उसमें मिलने वाली है। साथ में न्यूज ये भी आ रही है कि जो गैलेक्सी S24 सीरीज का प्रोडक्शन है उसको सैमसंग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है, तो अर्ली लॉन्चिंग हो सकती है। एंड जहां तक बात रही लॉन्च की, तो लीक्स भी आ रही है कि मिड जनवरी नहीं तो जनवरी के एंड तक इसे लॉन्च किया जा सकता है। एंड यूजुअली जो MWC इवेंट होता है वो फरवरी से मार्च के बीच में ही किया जाता है, तो देखते हैं इसकी कब तक लॉन्चिंग कंफर्म होती है। इसके अलावा सैमसंग ने गैलेक्सी S23 सीरीज का जो स्टेबल UI 6 है उसे रोल आउट करना शुरू कर दिया है, तो जिन लोगों के पास गैलेक्सी S23, S23 प्लस या S23 अल्ट्रा है तो उनमें बहुत जल्दी यह अपडेट देखने को मिल जाएगा। अगली न्यूज की बात करें तो वो एप्पल की तरफ से निकल के आ रही है। एप्पल का इवेंट आज स्टार्ट होने वाला है, तो जब तक मैं यह न्यूज शूट कर रहा हूँ तब तक तो इस इवेंट को स्टार्ट नहीं किया गया है, तो इसकी जो भी ऑफिशियल अपडेट होगी वो कल के टेक्निक में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इसमें न्यू iMac साथ में MacBook Pro को लॉन्च किया जा रहा है, M3 चिपसेट साथ में जो MacBook Pro है उसमें M3 Max चिप देखने को मिल सकता है, तो कल इसके ऊपर सब कुछ अपडेट देने वाला हूँ। कौन कौन से iMac लॉन्च किए गए हैं, किस किस साइज में, सब कुछ बताने वाला हूँ, तो कल का टेक न्यूज काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप जरूर वॉच कर। साथ में मैं आपको यही बता दूं कि इस बार का जो M3 चिप है एप्पल ने उसे 3 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर तैयार किया है, तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो और भी ज्यादा इम्प्रूव होने वाला है एज कम्पेयर टू M2 चिप। तो फाइनली दोस्तों आज का हमारा टेक न्यूज यही पर समाप्त होता है। एंड आज की जितनी भी टेक न्यूज थी उसमें से कौन सा न्यूज आपको सबसे ज्यादा पसंद आया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, साथ में अच्छा लगे तो एक लाइक करना मत भूलना। एंड जो लोग भी नए जो हमारे चैनल को रेगुलर विजिट करें तो किस बात की देरी भाई, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। एंड रेगुलर बोल रहा हूँ कि इस चैनल का जो रीच है वो बहुत ही ज्यादा कम है, तो वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करो, साथ में नीचे अपना फीडबैक जरूर दो कि टेक न्यूज आपको पसंद आ रही है कि नहीं, ठीक है। साथ में जिन लोगों ने गैलेक्सी S24 सीरीज का जो वीडियो नहीं देखा है उसे मैं कार्ड सेक्शन में दे दे रहा हूँ, उसको आप जरूर वॉच करके जाना, काफी कुछ इन्फॉर्मेटिव उसमें मैं बता चुका हूँ S24 अल्ट्रा के रिगार्डिंग, तो आपको ज्यादा जानना है तो उस वीडियो को आप जरूर यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। तो फिलहाल इस टेक्निक में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेक्निक में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।